रिजल्ट में काफी अच्छे नंबरों से पास होना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, और ऐसा जब किसी के साथ होता है तो उसके अंदर जो एक खुशी होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ऐसी ही एक खुशी जो है वो हम आज महसूस कर रहे हैं, एक ऐसी गुड़िया के साथ बैठे हैं हम और जिसने पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे के पूरे चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान हासिल किया है। और जाहिर सी बात है ये जो एक खुशी है वो जहाँ वो खुद महसूस कर रही है उसके साथ साथ हम भी वो खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो लड़की है उसने पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया और एक बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ। हम वो मार्क्स भी आपको बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, उनसे मिलवाएंगे अभी और उनके बारे में जानेंगे क्या कुछ उन्होंने किया, क्या कुछ मेहनत उन्होंने की और कैसे कैसे सारी चीज़ों को के और वो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे अरुणिमा हैं और सीबीएसई जो अभी रिजल्ट अभी 12th का आया था उसमें चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है। तो अभी हमारे साथ अरुणिमा है। अरुणिमा आपका स्वागत है हम चैनल पर। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कैसे ये जो चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो पढ़ाई हमें ऐसे दिखती थी कि अरे इतना सारा सिलेबस है कैसे पढ़ेंगे, कैसे पूरे सारे सिलेबस को एक रूटीन में कर कर के और उसको एग्ज़ाम तक पहुंचेंगे और उसके बाद अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। जाहिर सी बात है हम भी पढ़े लेकिन कहीं ना कहीं हम एवरेज स्टूडेंट रहे, आपने टॉप किया है तो जाहिर सी बात है हर एक के लिए एक आप ये दिखेंगे कि हाँ ये रोल मॉडल हो सकता है। तो वो रोल मॉडल बनने तक का जो सफर रहा कैसा रहा, क्या क्या पढ़ाई की, कैसे कैसे की? मैंने अपनी जो किताबें हैं उन्हें अपना दोस्त समझा। मैंने कभी पढ़ाई को एज अ बर्डन नहीं लिया। मैंने जो अपने सिलेबस है उससे मैंने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा। इंटरेस्ट जो है वो मस्ट होता है, हार्डवर्क हाँ होता है, हार्डवर्क भी मेहनत होती है बच्चे की जो सफलता ग्रहण करने में हमारी मदद। आपने हार्डवर्क की बात कर रहे हो, हार्डवर्क जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा चाहिए होता है यहाँ पर, दिन रात पढ़ना पड़ता है। क्या दिन रात पढ़े? दिन रात पढ़ाई की, टाइम आया जब दिन रात नहीं भी की, स्मार्ट वर्क किया। तो स्मार्ट वर्क करने के बाद हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे कितने परसेंटेज जो है आपकी सीबीएसई 12th एग्जाम्स में आए और आज आपने टॉप किया? 97.8%। अगर हम व्हाट्सएप के जोक्स की बात करें तो वहाँ पर इतने मार्क्स में शायद दो बच्चे पास हो जाते, दो लड़के पास हो जाते, लेकिन हमारी गुड़िया ने वो ही है कि ये जो एक फीलिंग है, ये जो आप स्माइल देख रहे हैं फेस पर, ये जो स्माइल जो आती है वो तभी आती है जब आप हर किसी को पीछे छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर बात करूँगा आपके पढ़ाई के शेड्यूल की, किस किस तरह से सुबह कैसे पढ़े, दोपहर में कैसे हुआ, स्कूल में जब आप गए तो वहाँ पर किस तरीके से हुआ, क्या कुछ रूटीन? मैंने स्कूल के जो स्टडिंग आवर्स थे उन्हें क्लास में अटेंटिवली अटेंड किया, टीचर्स के लेक्चर्स को। मैंने फ्री पीरियड में बुक्स को पढ़ा, ना कि इधर उधर मस्ती की। घर आके भी अपना टाइम टू टाइम स्केड्यूल रखा, सिलेबस एक एक चीज प्लान की, हर चैप्टर को प्लानिंग के थ्रू पढ़ा जब भी जाके। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है। हाँ जी, मेरे पास एक इंग्लिश था, ज्योग्राफी था, पॉलिटिकल साइंस था, होम साइंस था, फिजिकल एजुकेशन था और हिंदी था। जी बिल्कुल, और पॉलिटिकल साइंस आजकल का बड़ा ही महत्वपूर्ण एक विषय है और उसमें भी अगर टॉप कर रहा है तो जाहिर सी बात आगे पॉलिटिक्स में जाने का विचार है? नहीं, कहाँ क्या करेंगे आगे? मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का बचपन से ही मेरा सपना था। आईएएस के लिए ट्राई करेंगे? क्या कुछ आगे की मेहनत रहेगी? आगे इंग्लिश ऑनर्स के टाइम ग्रेजुएशन में ही मैं अपना स्टार्टिंग से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूंगी। होपफुली अगर मिलता है, अगर होपफुली होता है देन बेस्ट है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि एक जब हमने एक मुकाम हासिल कर लिया होता है तो उसके बाद हमें जाना होता है उससे अगले मुकाम पर, और सीढ़ियाँ चढ़ते जाना ही यहाँ पर सफलता मानी जाती है। तो यहाँ वो जो सीढ़ियाँ जो आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या कुछ उसके लिए अब किया जाएगा, कैसे? क्योंकि जाहिर सी बात है आप ग्रेजुएशन भी करेंगे, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन भी दूसरी में चलेंगे, तो दोनों में सामंजस्य कैसे बैठा पाएंगे? अगर आपके पास टारगेट है, सपना है, तो सब कुछ पॉसिबल है। प्लानिंग मस्ट है, प्लानिंग करूंगी एंड आई विल ट्राई हार्डवर्क करूंगी। चलिए बहुत बढ़िया है, हार्डवर्क करेंगे और जाहिर सी बात है उसी हार्डवर्क को हम एक बार पीछे जाकर के देखना चाहेंगे कि वो हार्डवर्क कैसे हुआ, क्योंकि
काफ़ी सारे सिलेबस होता है, क्योंकि हमने भी पढ़ा तब बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती थी, बुक्स को देख करके डर लगता था, लेकिन उन बुक्स से कैसे पार पाए, कैसे सुबह में क्या पढ़ा, दोपहर को किस तरीके से दूसरी बुक्स पढ़ी, या एक शेड्यूल जो आपने जो बनाया वो शेड्यूल कैसे बनाया, क्योंकि शेड्यूल बनाना ही सबसे बड़ी अहमियत वाली चीज़ आ जाती है। मेरा जो सिलेबस था, मैंने अपने सिलेबस को हाफ हाफ पार्ट्स में बांटा। मैंने जो फर्स्ट सिक्स मंथ्स थे उनमें अपनी जितने भी मेरी बुक्स थी उनको रिवाइज किया, फिर देन जब मेरे बोर्ड्स नियर थे जो लास्ट के टू मंथ्स थे मैंने फिर से उन्हें रिवीजन किया स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग, और जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे देन आई रिवाइज, मैंने पूरा सिलेबस ए टू जेड रिवाइज किया था एक बुक के लिए। यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नोट्स बना लो। हाँ जी, नोट्स मैंने, वो नोट्स बनाए आपने? हाँ जी, नोट्स मैंने थोरोली पढ़कर बनाए या उसको बीच बीच में से उठा करके? नहीं, नोट्स मैंने अपने एक एक चैप्टर के, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इतने पार्ट्स में मैंने हर बार नोट्स बनाए हैं, उस दौरान जब जब मैंने चैप्टर लिख के जब जब मैंने नोट्स बनाए अपने, उसी की मेहनत का नतीजा है कि आज आप टॉप करके और आज हमारे साथ बैठे। तो देखिए, नोट्स बनाए, लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे कि अनुमा ने कहा कि थोरोली पढ़ करके जब आप नोट्स बनाते हैं तो उसका फायदा आपको कहीं ना कहीं होता है। यहाँ पर हमारे साथ में अनुमा के दादाजी भी हैं और हम उनसे भी थोड़ा सा जानेंगे कि सर, बिटिया ने, आपकी पोती ने इतना बढ़िया काम किया है, हर जगह पर छाई हुई हैं, आज के दिन अखबारों में छाई हुई हैं और अब टीवी चैनल्स में भी आने वाले इंटरव्यूज में हम भी एक इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पर पहुँचे, कैसा फील हो रहा है? मैं बहुत खुश हूँ और ये लड़की जो है ना, एटलीस्ट आईएएस बने, क्योंकि इसकी मेहनत ऐसी और ढंग ऐसा है और हमेशा खुश रहती है और खुश दूसरों को करती है, और पढ़ाई का समय अलग निकालती है और बात करने का अलग निकालती है, पूरा इसका पढ़ाई में दिल लगता है और उसमें ये सफल भी होती है। चलिए, बहुत बढ़िया है। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है, जाहिर सी बात है, परिवार के जितने भी लोग होते हैं उनको सबसे बड़ी खुशी होती है कि घर का बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे एक मुकाम पर पहुँच रहा है। हम इस दौरान में आपसे जानना चाहेंगे, जबकि दादरी बहुत छोटा शहर है, अरुणिमा क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर उतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो आईएएस की पढ़ाई के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज भी चाहिए, या किसी भी और दूसरे बड़े रैंक के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज चाहिए, ऐसी स्थिति में कैसे मैनेज करेंगी, यहाँ पर रहेंगी या फिर कहीं दूसरी अलग से यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेंगे? मैं दूसरी अलग यूनिवर्सिटीज में ट्राई करूँगी। किस यूनिवर्सिटी का टारगेट लेकर? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, वेरी गुड। और उसके बाद शायद जेएनयू में पहुँचे? हम तो चाहते हैं कि जेएनयू में टॉपर्स ही होते हैं भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपने मुझे कहा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही टारगेट क्यों बनाया? देखिए, कॉलेजेस जिनकी डिमांड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है मोस्ट रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, जितने भी टॉपर्स हैं, आईएएस है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सारे वही हैं। एक एनवायरनमेंट मिल जाता है दिल्ली जाकर, और वहाँ कोचिंग फैसिलिटीज भी है। मैं नए एनवायरनमेंट में जाऊंगी तो और चीज़ें सीखने को मिलेंगी और ग्रूम करने का मौका मिलेगा, इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेरा टारगेट है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़े बड़े टारगेट लेकर के चल रहे हैं, और जाहिर सी बात है इन्हीं टारगेट्स को लेकर के जब कोई व्यक्ति चलता है तो कहीं ना कहीं आगे सफलता जो है उसकी कदम चूमती है। हमारे साथ अरुणिमा की मम्मी हैं और उनके पापा हैं, उनके बहन हैं और भाई भी हैं, और सभी के सभी से हम बातें करेंगे यहाँ पर। क्या कहेंगे, अब बिटिया ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, आगे का अब जाहिर सी बात है घर छोड़ करके दूसरी जगह जाएगी, एक मन में कहीं ना कहीं डर भी रहा होगा कि बिटिया कैसे करेगी, कैसे हम आगे उसको करवा पाएंगे, अब आगे का क्या प्लान आपका है? मेरी बिटिया जी बहुत मेहनती है, डर की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने बच्ची को इतने स्ट्रॉन्ग और अच्छी तरीके से पाला है, तो उसके संस्कार ऐसे हैं, कोई डरने वाली बात नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया है, मैनेज कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, दिल्ली जाएंगे, मैनेज कर लेंगे खूब अच्छे से। अच्छे से बाहर, मतलब अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, हम भी बाहर ही पढ़ते थे, तो इतना कॉन्फिडेंस बाहर पढ़ने के बाद आ ही जाएगा। जी बिल्कुल, अनुभव है वो सिखा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो कैसा लग रहा है, बहन ने ये इतना बड़ा जो मुकाम है वो हासिल कर लिया,
आपके मन में कभी इस तरह से जो इस तरह के मुकाम हासिल करने के लिए कभी मन में आया था? जी, तो हासिल कर पाए? काफी हद तक किया था, तो आज बहन ने भी हासिल कर लिया है। तो अब आपको क्या लग रहा है, बहन जो अगले मुकाम तक पहुंचने की जो कोशिश कर रही है उसमें कितनी सफल होगी? बिल्कुल पूरी सफल होगी, पूरा विश्वास। जब बहन का रिजल्ट आया तो जो एक खुशी थी कैसे जाएगी? खुशी पहले तो पूरी, काफी डांस किया है इसने, पहले तो काफी नर्वस हो रही थी शुरू में कि कैसे मार्क्स आएंगे, फिर बाद में एकदम से रिजल्ट आया, पहले तो शुरू में निकला नहीं, तो जब जैसे ही निकला एकदम से एक्साइटमेंट आसमान पर। अरे बात जी, बहुत बढ़िया। जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो आसमान फाड़ेगा ही, क्योंकि जब आसमान फाड़ने का काम किया है तो उसमें जरूरी है। उनकी बहन भी हमारे साथ हैं, तो यहाँ उनकी बहन से भी हम बात करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। जी, आपको कैसा अभी फील हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़े ही आपके लिए टारगेट सेट कर दिए हैं, आप छोटी हैं और आपके लिए टारगेट सेट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक डर अब होगा कि इनसे ऊपर जा करके कुछ करके दिखाना है। जी, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है मुझे, बहुत मेहनत करती थी तो मार्क्स तो आएंगे ही, और टारगेट की बात आई, हाँ प्रेशर तो मेरे ऊपर भी आ रहा है कि मुझे भी अब ज़्यादा लेने हैं, बहुत मेहनत करनी है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। विकास जी हमारे साथ हैं, अरुणिमा के फादर हैं, और जाहिर सी बात है आप लोगों ने हमारे चैनल पर पहले भी विकास जी को देखा है, काफी अच्छी कविताएं लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो एक इंटेलेक्चुअल माइंड जो था वो माइंडसेट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो है पहुंचा है। और उसके साथ साथ अब हम भी आपसे भी जानना चाहेंगे, बिटिया ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया है, कैसा लग रहा है? इट्स अ प्राउड फीलिंग, मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी ने टॉप किया है, और इसकी अपनी मेहनत है, और इसने दिन रात मेहनत की है और सेल्फ स्टडी की है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी। इसके लिए इसके गुरुओं को भी बहुत श्रेय है, उन्होंने भी दिन रात मेहनत की है, टाइम टू टाइम हमें अपडेट दिया है, और जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल होगा। चलिए बहुत बढ़िया है। अरुणिमा, हम एक बार आपसे फिर से जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने जो पढ़ाई की उसको देखते हुए आप अपने जो भी जो जूनियर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे? पढ़ाई को एज अ बर्डन मत लो, एज अ इंटरेस्ट उसके साथ दोस्ती करो, और अपनी बुक्स को एज अ बर्डन, एज अ जबरदस्ती ना पढ़ो, उन्हें प्यार से पढ़ो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, और मार्क्स के लिए नहीं, इंटरेस्ट के लिए पढ़ो, बस। जी बिल्कुल, तो यहाँ देखिए काफ़ी बढ़िया मैसेज अनुमान दे दिया है कि आप अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी किताबों को पढ़ो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वही चीज़ें पढ़ें, उनको पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि कैसा मिल सकता है। अभी अरुणिमा ने जैसे पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, तो हम आगे भी ये भी चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में आप स्टेट टॉप करें, नेशनल लेवल पर भी कहीं ना कहीं एक गोल्ड मेडलिस्ट बने, तो ये बढ़िया चीज रहेगी। और जाहिर सी बात है कि अभी हम आप लोगों को आज यही चीजें, ये जो फीलिंग है ये आप तक पहुंचाने के लिए आज यहां पर पहुंचे थे, और इस फीलिंग को आप हमारे वीडियो के जरिए जैसे आप वहां पर समझ सकते हैं, आप हमारी न्यूज के जरिए समझ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उस चीज को ध्यान करें, अपना मन अपनी पढ़ाई में लगाएं, क्योंकि ये जो पढ़ाई है यही आपको कहीं ना कहीं आगे लेकर के जा सकती है। हम आपके साथ दूसरी अपडेट्स के साथ भी मिलेंगे, और उन अपडेट्स में हम आपको कुछ और दूसरी जानकारियां आपको देंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, और जाहिर सी बात है अगर आपको सारी चीज़ें बढ़िया लग रही हैं तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब और जो लाइक और शेयर जो है वो जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा मैं आपको कुछ कहूँगा नहीं, आप कुछ समझदार हैं, तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं सुमेश जाकर, नमस्कार।